So before we get to the point that how can we create stunning YouTube thumbnail, हम लोग स्टनिंग YouTube थंबनेल बनाने से पहले हम लोग कुछ रूल्स जानेंगे जो कि आपका YouTube का जो थंबनेल है या कोई भी थंबनेल हो उसको ज़्यादा स्टनिंग बना सके। सो सबसे पहले आपको मैं कुछ रूल्स ऑफ थम्स बताऊंगा जो कि आपको फॉलो करना है एंड यू विल सी दैट यू विल बी गेटिंग गुड रिजल्ट एज वेल। सो आप देखोगे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो नंबर वन आप क्या कर सकते हो, नंबर वन जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप दो टाइप का थंबनेल आप कर सकते हो। नंबर वन एक है कस्टम थंबनेल और नंबर टू जो है वो है कि आप YouTube जो है जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ राइट, सो इस वीडियो से आप एक फ्रेम सिलेक्ट करके आप थंबनेल बना सकते हो। सो जो थंबनेल आप सपोज़ अगर आप कस्टम थंबनेल नहीं बनाना चाहते हो, आप अगर सपोज़ एक फ्रेम लेना चाहते हो, जैसे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो इस वीडियो का एक फ्रेम अगर मैं लेना चाहता हूँ तो हर वक्त मतलब फॉलो कीजिएगा कि एक्शनेबल जो फ्रेम है वो लेने का कोशिश आप कीजिएगा। एक्शनेबल फ्रेम इन द सेंस सपोज मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, सो आप इस फ्रेम को आपका यूट्यूब थंबनेल में नहीं पुट कीजिएगा। आप किस थंबनेल जैसे मैं कुछ बॉडी एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, हाथ का कुछ एक्सपोजर पोस्चर में दे रहा हूँ, सो जिससे कि जो व्यूअर्स हो उसको नोटिस मतलब वो थोड़ा कैचेबल लगे एंड क्लिक थ्रू रेट आपका ज़्यादा बढ़े राइट। सो नंबर वन आप ये फॉलो कीजिए। नंबर टू आपको जो फॉलो करना है वो है आपको जो आपका यूट्यूब जो थंबनेल होगा उसको ब्राइट कलर रखना है। तो ब्राइट कलर आप जितना रखोगे उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा कस्टमर जो व्यूअर्स है एंड क्लिक थ्रू रेट आपका बढ़ेगा। नंबर थ्री जो है वो है कि ऑलवेज कोशिश कीजिए कि शॉर्ट एंड सिंपल टेक्स्ट रखने का, बिकॉज जैसे मैंने इस थंबनेल पे देखिए एकदम छोटा सा थंबनेल में छोटा सा टेक्स्ट मैंने पुट किया है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे अगर मैं फेसबुक का बात करूँ तो फेसबुक पे क्या होता है कि सपोज़ अगर आप 20% से ज़्यादा अगर टेक्स्ट आपका जो टेक्स्ट है वो अगर इमेज में मतलब आपका जो यूट्यूब थंबनेल जो है वो अगर सॉरी आपका जो फेसबुक थंबनेल है उसमें अगर 20% से ज़्यादा टेक्स्ट हो जाएगा इमेज का टोटल एरिया में तो फेसबुक क्या करता है उसको पेनलाइज कर देता है, मतलब आपका जो वीडियो है वो पेनलाइज हो जाएगा। सो जितना शॉर्ट रखोगे आप उतना ही अच्छा है, उतना ही शॉर्ट एंड सिंपल स्वीट शॉर्ट सिंपल एंड स्वीट पे रखिए आप जो टेक्स्ट है राइट। जितना छोटा रखोगे उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। लंबा चौड़ा जो टेक्स्ट है वो देने का आपको ज़रूरत नहीं है, एकदम स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट आपको देना है। सो ये था कुछ 3-4 रूल्स जो आप अपने यूट्यूब थंबनेल पे या कोई भी थंबनेल हो, फेसबुक का थंबनेल हो, ट्विटर या इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जिसका भी थंबनेल हो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था पहले बिफोर वी गेट टू द पॉइंट कि कैसे हम लोग यूट्यूब थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी हम लोग देखेंगे कि यूट्यूब थंबनेल आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कौन सा ऐसा टूल्स है जिससे आप आराम से यूट्यूब थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं स्टनिंग यूट्यूब थंबनेल। तो चलिए देख लेते हैं। सो 3 वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अपने यूट्यूब थंबनेल या कोई भी थंबनेल आप यहाँ से बना सकते हैं। सो नंबर वन जो मैं सबसे रिकमेंड करूँगा वो है कैनवा, देन आप क्रेलो में कर सकते हैं, देन यू कैन गो टू पिकमंकी एंड यू कैन डू विथ पिकमंकी एज वेल। सो पिकमंकी से भी आप कर सकते हो। सो ये तीनों जो प्लेटफॉर्म हैं यहाँ से आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो, सिर्फ नॉट ओनली यूट्यूब थंबनेल बट आप कोई भी डिज़ाइन एनिमेटेड सोशल मीडिया फेसबुक पोस्टर कुछ भी आप डिज़ाइन यहाँ से आप कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको प्रीमियम वर्जन भी मिल जाएगा जिससे कि आपको ढेर सारे टूल्स ग्राफिक डिज़ाइन सारे कुछ और भी एनिमेटेड ग्राफिक्स भी आप बना सकते हो कैनवा से और पिकमंकी क्रेलो दोनों से तीनों से। सो तीनों का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो मैं थोड़ा डेमो दिखाऊँगा आपको कि आप स्क्रैच से यूट्यूब थंबनेल कैसे बना सकते हो। सो अगर कैनवा में मैं आपको सिर्फ कैनवा में दिखा रहा हूँ। If you want you can comment in the below section। उधर अगर पिकमंकी या क्रेलो का भी आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो आपको यहाँ पर सर्च पे डायरेक्टली यूट्यूब थंबनेल लिखना है। यूट्यूब थंबनेल लिखने से ही आपको यहाँ पर देखो सब कुछ आ जाएगा, यूट्यूब चैनल और क्या बनाना है आपको। सो यूट्यूब थंबनेल में हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर ढेर सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे, प्री मेड डिज़ाइंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ से प्री मेड डिज़ाइंस ऑलरेडी दिया हुआ है। सो यहाँ पर आप अगर ये डिज़ाइन लेते हो आप एडिट करके टेक्स्ट बिठा सकते हो या कुछ भी इमेजेस वगैरह आपको डालना है सो डाल सकते हो। एल्स अगर आप खुद से करना चाहते हो सो आप ये जो ब्लैंक ऑप्शन है, ब्लैंक ऑप्शन आपको क्लिक करना पड़ेगा। ब्लैंक ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूरा ब्लैंक यूट्यूब थंबनेल आ जाएगा ना, यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। ये टूल आ गया पूरा, यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। एक मैं कुछ बना के आपको दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पर अगर आप चाहते हो तो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से ऐप पर अगर कुछ इमेजेस अपलोड करना चाहते हो, जैसे ये सब जो इमेजेस है ये मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। सो सपोज़ मैं लेट सपोज़ यहाँ पर कुछ ब्लॉगिंग रिलेटेड मैं करता हूँ, तो यहाँ पर सपोज़ मैं ब्लॉगिंग रिलेटेड एक थंबनेल बनाऊंगा, तो इस तरह से बना सकते हो। तो अगर सपोज़ आपको ये ब्लू कलर करना है, इधर जो वाइट पोर्शन है यहाँ पर भी आपको ब्लू कलर डालना है, तो ये हम लोगों को इस इमेज से ही हो जाएगा। सो आप यहाँ पर टेक्स्ट भी बिठा सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो यहाँ से। तो इस तरह से आप कर सकते हो। मैं आपको पूरा वीडियो पे, ये जो वीडियो में एक लाइव थंबनेल बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, आप यहाँ पर सपोज़ मैं अगर कुछ टेक्स्ट डालने वाला हूँ, तो यहाँ पर टेक्स्ट में जाके ऐड हेडिंग के बाद सपोज़ मैं लिखना चाहता हूँ हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग। सो इसको आप जिस तरह से आप इसको साइज करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से इसको साइज में डाल सकते हो। इस तरह से आप अपने साइज कर सकते हो ये। और अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो इस टेक्स्ट का, तो कलर भी आप चेंज कर सकते हो, राइट। कुछ भी अगर आपको क्वेरी है तो आप डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर सकूँ आप लोगों को। सो सपोज़ हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग, यहाँ पर मैं सपोज़ यहाँ पर हाउ का जो मतलब जो टेक्स्ट कलर है वो मैं वाइट करूँगा। सो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जाकर यहाँ पर कलर पे जाके यहाँ पर सिंपली आपको कलर वाइट करना है। सी देखो ये वाइट हो जाएगा, ये वाइट हो गया, राइट। सो आप यहाँ पर अपना ब्रांडिंग भी डाल सकते हो। जैसे मैं अपना ब्रांडिंग ऑलवेज डालता हूँ, जो मेरा लोगो है चैनल का या मेरा वेबसाइट ब्लॉग का। ये जो ब्लॉग का जो ब्रांडिंग है ये आपको डेफिनेटली हर एक पिक्चर पे आपको देना चाहिए। जो ब्रांडिंग है आपका हर एक थंबनेल, कोई भी पिक्चर हो, क्योंकि जितना आप अपना ब्रांडिंग के बारे में ये लोगो डालोगे उतना ही अवेयरनेस होगा, राइट। सो ये आप यहाँ पर कोने में लगा सकते हो बस। सो देखो कितना जल्दी एक थंबनेल क्रिएट हो गया, हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग, राइट। तो इस तरह से आप थंबनेल बना सकते हो। एंड इसको आप अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड जो ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हो ना। आप सोचोगे कि ये जो इमेजेस है ये इमेजेस में कहाँ से मिलता है मेरे को, तो ये रॉयल्टी फ्री इमेजेस है। आपको आपका ब्लॉग या यूट्यूब थंबनेल के नीचे डालना होगा कि डिज़ाइन बाय दिस, डिज़ाइन बाय दैट। सो मेरा एक डेडिकेटेड आर्टिकल है जहाँ से आपको टॉप 50 वेबसाइट जहाँ से आपको रॉयल्टी फ्री इमेजेस मिल जाएंगे। सो आप मेरा ब्लॉग पर जा सकते हैं www.vidyaa.org, और उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पर आपको मिलेगा वो। सो ये वेबसाइट है, ब्लॉग है मेरा। सो जो रॉयल्टी फ्री इमेजेस है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप कहाँ से मिल सकता है आपको। नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी डाल दूँगा, ताकि आपको जितना भी रॉयल्टी फ्री इमेजेस वेबसाइट है उसके बारे में आपको पता चले और आप वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिंक डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे। तो यहाँ ये जो आर्टिकल है मैंने डेडिकेटेडली 50 जो रॉयल्टी फ्री इमेजेस साइट है उसका लिस्ट आउट किया हुआ मैंने। सो आप यहाँ से आराम से जाकर जितना भी सारे वेबसाइट्स हैं यहाँ पर आप जाकर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जितना भी रॉयल्टी फ्री इमेजेस है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी सारे वेबसाइट्स है रॉयल्टी फ्री इमेजेस का मैंने सब लिस्ट डाउन किया हुआ है। तो आप ये डेडिकेटेड आर्टिकल जाके आप पढ़िए ताकि आपका बेनिफिट हो भाई। सो इस तरह से आप आराम से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पिक्चर एंड देन यू कैन पुट ऑल द पिक्चर्स इन यूट्यूब थंबनेल। सो आप यूट्यूब थंबनेल में पुट कर सकते हो एंड आप आराम से स्टनिंग यूट्यूब थंबनेल बना सकते हो राइट। तो ये कैनवा का सिर्फ मैंने दिखाया, आप पिकमंकी से भी कर सकते हो, इस वेबसाइट से भी कर सकते हो, आप क्रेलो से भी कर सकते हो एंड ढेर सारे मोबाइल ऐप भी है जहाँ से आप थंबनेल बना सकते हो जैसे पिक्सलैब है और भी काफ़ी सारे हैं। तो मैं उसका भी लिस्ट डाउन नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आपको लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा इस तीनों वेबसाइट से करना क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्री मेड थंबनेल रहता है। सो ओनली यू नीड टू डू इज यू नीड टू एडिट द images and put the text you want to right। so I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने से प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आने वाले वीडियोस का लुत्फ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।